वेलकम, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 5 डे क्लास है और आज की जो मेरी क्लास है वो कंप्लीट इंटीग्रेटेड सर्किट पर है। बिकॉज मैंने अपनी पिछली वीडियो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर थी उसमें मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आईसी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईसी क्या है, आईसी कितने प्रकार का होता है, ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जरूर आप देख लेंगे, बिकॉज उसमें अगर आप देख लेंगे तो आईसीज का क्या यूज है, आईसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज यदि आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके को कंप्यूटर से रिलेटेड सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी। इसमें आपको कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिए जाते हैं और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तुम्हारी वीडियोस को आप शेयर जरूर करें, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फ्री क्लासेस का लाभ मिल पावे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि आईसी क्या है, आईसी कितने प्रकार का होता है, और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो कंप्यूटर से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, या आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, या कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन वन स्मॉल चिप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज नॉर्मली सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ग्रुप है, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं। वो जो चिप होती है जिसे हम आईसी कहते हैं, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पदार्थ है जिससे आईसी को क्रिएट किया जाता है। और आईसी, मैं आप लोगों को बताऊं कि आईसी जो है इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत संख्या में आपके ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं, जिसे इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, आईसी का इन्वेंशन कब हुआ? फाइनली आईसी आपका 1958 में कंप्लीट हो गया। आईसी को सर जैक किल्वी ने डेवलप करा, जबकि आईसी को बनाने का काम 1950 से स्टार्ट हुआ। इस पर वर्क उन्होंने स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए और 1958 में जैक किल्वी जी ने आईसी को सक्सेसफुली लॉन्च करा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ आईसी। आईसी क्या है आपने जाना, आईसी कितने प्रकार का होता है उसे हम जानते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ आईसी। आईसी जो है वो मेन दो प्रकार का होता है, जबकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था आईसी 5 प्रकार, बट वो ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर 5 प्रकार का मैंने बताया, उसे मैं अभी आगे बताता हूं आप लोगों को। तो आईसी जो है वो मेन दो प्रकार का होता है, एक एनालॉग आईसी और एक डिजिटल आईसी। एनालॉग आईसी, एनालॉग से आप लोग परिचित होंगे, एनालॉग जिसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता, जो सिग्नल्स पर वर्क करता है, उसे हम एनालॉग कहते हैं। उसी तरीके से जो एनालॉग आईसी होती थी वो सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स एंड आउटपुट सिग्नल्स पर वर्क करता था। जो आउटपुट सिग्नल्स होता था वो इनपुट सिग्नल्स पर डिपेंड करता था, तो इसे लाइनियर आईसी भी कहते थे। ये आपका एनालॉग आईसी जो है वो कंप्लीटली सिग्नल पर वर्क करता है। और जो डिजिटल आईसी है, डिजिटल आईसी जो आपकी है वो लॉजिक गेट्स मेथड पे वर्क करता है। लॉजिक गेट्स यदि आप नहीं जानते हैं तो हम उसके लिए भी एक आगे एक वीडियो बनाएंगे जो कंप्लीट केवल लॉजिक गेट्स पर होगा। लॉजिक गेट्स जिसे नॉट गेट, एंड गेट, ऑर गेट, एक्सऑर गेट, फिजिक्स वगैरह में, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ये गेट्स होते हैं, गेट्स का यूज क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। तो आईसी जो डिजिटल आईसी होती थी वो लॉजिक गेट मेथड पर बनी हुई होती थी, जो दिए गए इनपुट को कंप्लीट उसका उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट तैयार, जैसे आपके सीपीयू में, कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसमें प्रोसेसर लगा होता है, जिसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। प्रोसेसर जो होता है वो डिजिटल आईसी है, वो लॉजिक गेट्स मेथड पर होता है, जो दिए गए इनपुट को कंप्लीट प्रोसेस करके उसका रिजल्ट बनाता है। कहने का मतलब जो हम इनपुट देते हैं उससे डिफरेंट रिजल्ट होता है उसी इनपुट के अकॉर्डिंग,
निर्णय लेता है वह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में निर्णय लेने की क्षमता होती है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। तो जो आईसी होती है डिजिटल वो लॉजिक गेट मेथड पर बनी होती है और लॉजिक गेट्स क्या इनपुट क्या लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 एंड 1। 0 एंड 1 जो होता है वो बाइनरी नंबर होता है और कोई भी कंप्यूटर या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो निर्णय लेती है उसमें बाइनरी इन्फॉर्मेशन इनपुट होता है। नंबर सिस्टम यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरी एक वीडियो नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी आएगी, उसे आप जरूर देखिएगा। तो डिजिटल आईसी जो होती है वो आपकी बाइनरी डिजिट्स को इन करती है और उससे रिलेटेड उसका रिजल्ट तैयार करके फिर आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो डिजिटल आईसी तो दो प्रकार से आईसी हो गई, एनालॉग आईसी और डिजिटल आईसी। अब हम देखते हैं जो आईसी में ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में एक ही सिंगल चिप में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं उनकी संख्या के आधार पर हम आईसी को देखते हैं, जो 5 प्रकार की आईसी। तो हम देखते हैं जो आईसी होती है, आईसी का जो मेन कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर, उस पर जो डिपेंड 5 टाइप्स आईसी को कैटेगराइज किया गया उसके बारे में हम देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ आईसीज आर ट्रांजिस्टर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड इन अ सिंगल चिप द आईसीज आर कैटेगराइज इन 5 टाइप नेम। कहने का मतलब जो ट्रांजिस्टर है वो आईसी का मेन कंपोनेंट है और ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर जो एक सिंगल चिप में ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर जो आईसीज बनी हुई हैं उसको 5 टाइप से कैटेगराइज किया गया है जो आप अभी देखें। इसमें मैंने 5 प्रकार दे रखे हैं जिसके बारे में मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। नंबर 1 है आपका SSIC। SSIC मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। SSIC स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें लगभग 100 ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व है। एक सिंगल चिप में लगभग 100 ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए और उस 100 ट्रांजिस्टर जिस आईसी में यूज किए गए उसे हम SSIC कहते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये आईसी जो है आपकी वो सब डिजिटल आईसी के अंतर्गत आती है। सेकेंड है आपका MSIC, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लें क्योंकि आईसी का फुल नेम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले हर एक एग्जाम में लगभग मिलता है, कॉम्पिटिशन के एग्जामिनेशन में भी आपके आईसी के फुल नेम पूछ लिए जाते हैं। तो MSIC मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इस आईसी के अंतर्गत 100 to 1000 ट्रांजिस्टर्स एक सिंगल चिप में यूज किया गया है, उसे हम मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट आपका LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। LSIC, इस आईसी के अंतर्गत एक ही सिंगल आईसी में 1000 to 20000 ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। नेक्स्ट आपका VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में 20000 to 1 lakh ट्रांजिस्टर से सिंगल चिप में यूज किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं होंगे कि इतने ज्यादा कंपोनेंट्स, इतने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं तो इसकी स्पीड कितनी गेन हो जाएगी। और रही बात आईसी का किस जनरेशन में या किस टाइप के कंप्यूटर में किस जनरेशन में किस टाइप की आईसी का यूज हुआ है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताया हुआ है। तुम्हारी पिछली वीडियो आप जरूर देख लेंगे जिससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जिस जनरेशन में हम चल रहे हैं, जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है आपके, उसमें आपका ULSIC यूज हो रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक चीज और आप लोग जान लें, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी आपका VLSIC इसी से बना हुआ है। जो प्रोसेसर है जैसे i5, i7, i3, ये सब जो प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं वो सब ULSIC बेस्ड है और ULSIC का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में 1 lakh to 10 lakh कंपोनेंट पाए जाते हैं, मतलब 1 lakh to 10 lakh तक कंपोनेंट या उससे भी ज्यादा कंपोनेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं। और वो कंपोनेंट क्या है, मेन ट्रांजिस्टर। 1 lakh to 10 lakh तक ट्रांजिस्टर अल्ट्रा लार्ज स्केल छोटी सी आईसी छोटे से प्रोसेसर में यूज किए जाते हैं वो आपके ULSIC। और ULSIC जो आपका है वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें ULSIC टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है।
तो ये आपने देखा, ये जो ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर जो कैटेगराइज किए गए हैं आईसी फाइव टाइप के, उसे आपने देखा SSIC, MSIC, LSIC, VLSIC एंड ULSIC। इसका फुल नेम भी आपने देखा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये फुल नेम्स बहुत जरूरी है। आईसी का टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड है, चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर, कोई भी टेक्निकल मैकेनिकल वर्क आप कर रहे हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ता है, उसमें आईसी का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आईसी के बारे में जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, तथा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।